खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खंडा की भैन ते माता दे वीजा रद्द होने का मामला पक्या। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध किया। दस दिए कि अवतार सिंह खंडा की पिछले दिन लंदन च इलाज दौरान मौत हो गई सी, जिस तों बाद उसके माता ते भैन अवतार सिंह खंडा के अंतिम संस्कार च शामिल होना चाहते सन, पर उन्हां दा वीजा रद्द कर दिता गया, जिसका SGPC वालों विरोध किया जा रहा है। जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि खंडा के परिवार को वीजा ना देना मनुखी अधिकारों की उलंघना करना है। विदेश इंग्लैंड साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अवतार सिंह खंडा जो कि एक सिख नौजवान सी, पिछले दिनों वो सिख संघर्ष के नाल संबंधित जोड़े मामलों जुड़िया रहा, तो उदी थोड़ी समा जी कि ना बीमारी तो बाद उन्होंने मौत हो जाने बाद जी माता उन्होंने जी भैन आ जोड़े कि देश हिंदू देश दे इंडिया वसदे आ उन्होंने संस्कार जाने की इजाजत इंग्लैंड की सरकार ने नहीं दी, जिड़ी कि मैं समझदा कि एक सिख होने के नाते असी इस गल का विरोध भी करते हैं, तो दूसरे पास एक मानवीय अधिकार का हनन है, मानवीय अधिकार की उलंघना है कि उसके परिवार को उस बच्चे के संस्कार अंतम रस्मों में जाने जी इजाजत नहीं दी जा रही। सो असी इंग्लैंड की सरकार असी अपील करते हैं कि ये एक परिवार का एक वो अंतम स जोड़े समय के रस्मों का मामला, तो इस मामले में सरकार जी है वो ख्याल रखे, तो खास तौर पर जिहड़ियां विदेश में बैठिया तो इंग्लैंड वसदियाँ सिख संस्थावां गुरद्वारा कमेटियां जिहड़ियां वो इस गल लई चाराजोई जरूर कर रही हैं। असी समझते हैं कि इस गल का इंग्लैंड की सरकार से दबाव बनाउण तां कि अवतार सिंह खंडा के संस्कार के समय से उन्हां दी सत्कारयोग माता ते उन्हां दी भैन जिहड़ी है पहुँच सके। सो असी इस गल लई भी अपने तौर पर चाराजोई करांगे तां कि वह उन्हां दे अंतम रस्म विच पहुँच के हाजिर हो सकन ते रस्मां अपने हत्थी कर सकन। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।